में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले राजीव सिंह जी का तबादला कर दिया गया है और नव नियुक्त जो जिलाधिकारी बनाए गए हैं शंकर पांडे, उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आइए उनसे हम बात करते हैं, थोड़ी उनसे ही बात करते हैं और अपने पाठकों को दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं कि अजय शंकर जी की कैसी कार्यशैली रहेगी और क्या रहेगा। सर बताइए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस जनपद में है कि हम इस जनपद को एक स्वच्छ, पारदर्शी, ईमानदार, अनुशासित और एक जवाबदेह प्रशासन दें। दूसरी प्राथमिकता हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है और उसको और सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। सर बहुत से मामलों में देखा जा रहा है कि वादों का निस्तारण तेजी से नहीं होता है, पेंडिंग्स हैं कोर्ट्स में भी, उसमें आपकी क्या नजरिया रहेगा? इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और वादों का निस्तारण में तेजी लाई जाए और जो अनावश्यक रूप से जो इसमें विलंब होता है उसको कैसे दूर किया सकता है, इस पर भी विचार विमर्श करके इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। जो शासन की योजनाएं लागू हैं उन पर आपका? शासन की जो योजनाएं निर्धारित हैं वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, शासन के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसके साथ साथ जो जिले स्तर की जो हमारी समस्याएं हैं वो भी हमारी प्राथमिकताओं में हैं और हम माइक्रो लेवल पर भी काम करेंगे कि पूरा जिले में तहसील है, कुछ तहसील की अपनी अलग समस्या हो सकती है जो दूसरी तहसील से भिन्न होती है, जनपद की समस्या से भिन्न होती है, तहसील के अंतर्गत जो गाँव होते हैं उनकी अपनी अपनी अलग समस्याएँ होती हैं, तो हम माइक्रो लेवल पर समस्याओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनपद मुजफ्फरनगर के नवनियुक्त जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि शासन की योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्रथम प्राथमिकता वह होगी। कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं किया करने दिया जाएगा और जो भी योजनाएं हैं उसका पूरी तरह से अक्षरते पालन किया जाएगा। मैं आरिफ शीशमली, न्यूज़ चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ टुडे के लिए लखनऊ और मुजफ्फरनगर।